कोरोना वायरस एक बार फिर से लौट आया है। चीन में कोरोना वायरस का संकट फिर लौट आया है। वहां कोविड 19 के मरीजों की संख्या हर दिन के साथ बढ़ रही है। मंगलवार को चीन में 28,000 से ज्यादा नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है। ये आंकड़ा बुधवार को 31,000 के पार चला गया। समाचार एजेंसी AFP ने बताया है कि महामारी की शुरुआत से अब तक चीन में एक दिन में दर्ज हुए कोरोना मामलों की ये सबसे बड़ी संख्या है। ऐसी स्थिति तब नहीं थी जब चीन में पहली बार कोरोना वायरस के पहले वेरिएंट SARS-CoV-2 ने दस्तक दी थी। वायरस को फैलने से रोकने के लिए कई इलाकों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। लोगों के घूमने फिरने पर पाबंदी लग गई है। बहुत बड़ी संख्या में टेस्टिंग का काम भी चल रहा है। इस सब के बावजूद हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के जिस हिस्से में सबसे ज्यादा कोविड 19 के केस बढ़ रहे हैं उसमें राजधानी बीजिंग के अलावा गुआंगझो और चोंकिंग शामिल हैं। गुआंगझो दक्षिण चीन का एक बड़ा औषधिक केंद्र माना जाता है। वहीं चोंकिंग दक्षिण पश्चिमी चीन का एक बहुत महत्वपूर्ण महानगर है। अब इस मौजूदा संकट का असर चीन की अर्थव्यवस्था पर भी दिखने लगा है। वायरस को कंट्रोल करने के प्रस्तावों के चलते चीन की ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। पूरी दुनिया में चीन के रास्ते उत्पादकों की डिमांड रहती है। वो दुनिया का सबसे निर्यातक देश है। जाहिर है उनकी सप्लाई रुकने का मतलब है विश्व व्यापार का संकट में आ जाना। हालांकि फिलहाल भारत की बात की जाए तो हालात ठीक ठाक हैं। देश में डेली कोरोना के 500 केस भी नहीं आते। पिछले 24 घंटे में महज 408 केस दर्ज हुए हैं और 5 मरीजों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही भारत में अब कोरोना वायरस की कुल मामलों की संख्या 4,26,71,000 से ज्यादा हो गई है। वहीं मृतकों का आंकड़ा 5,30,600 के पार चला गया है। हालांकि रिकवर हुए लोगों का आंकड़ा 4,41,00,000 से भी ज्यादा है।